प्रोफेसर रियाज बलोच लीगल चैनल सुनने वालों देखने वालों को प्रोफेसर रियाज बलोच की तरफ से खुशामदीद। पिछले निशस्त में हमने डिक्री और जजमेंट को इन जनरल डिस्कस किया था। हमने ये बताया था कि डिक्री क्या होती है, जजमेंट क्या होती है, वो कैसे इशू होते हैं, उसका तरीक़ेकार क्या है। ये जनरल टर्म में था, लेकिन मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ चीज़ों में डिक्री की नौयत मुख्तलिफ भी हो सकती है, और वो मुख्तलिफ जो नेचर है उसको एलेबोरेटली इस प्रोसीजरल लॉ में सीपीसी 1908 में डिस्कस किया गया है और बताया गया है कि किन किन चीज़ों के लिए कौन कौन सा तरीका होना ज़रूरी है। बेस वही है, जजमेंट और डिग्री का प्रोसीजर वही है, तरीक़ाकार वही है, कोर्ट भी वही होती है, लेकिन इसमें अगर क्लेम्स किसी और नौयत के हैं तो टिकरी उस नौयत की होगी, अगर क्लेम किसी और नौयत का है तो टिकरी उस नौयत की होगी। फर्ज करें कि इसमें क्लेम है कि ए ने बी को पैसे दिए हैं, अब वो पैसे मूवेबल प्रॉपर्टी है, अमाउंट है, रकम है, वो रकम चाहे कैश के सूरत में दिया गया, वो रकम चेक के सूरत में दिया गया, वो रकम किसी और इंस्ट्रूमेंट जो के कैश को और रकम को मटेरियलाइज करता है उसकी रूप में दिया गया हो, लेकिन वो मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाया जाएगा। जब आप दावा दाखिल करेंगे तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप कोर्ट को ये बताएंगे अपने सूट में, उसके बाद अगर एविडेंस का स्टेज आता है, एडमिशन डिफेंडेंट की तरफ से नहीं आती है आपके क्लेम पे, एविडेंस रिक्वायर्ड होता है, तो आप उस एविडेंस में बताएंगे कि इतने पैसे जो है मतलब मैंने इनको दिए थे या इसने मुझको देना है, रिटर्न करना है, तो ये आपको अमाउंट देना होगा और वो डिक्री जो होगी उस अमाउंट की ही होगी। अगर आप क्लेम करेंगे विदाउट मेंशनिंग दी अमाउंट, सिर्फ ये कहेंगे कि पैसे मुझे इसने देने हैं, तो वो डिक्री इशू नहीं हो सकती और वो एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा। ये इसलिए इस प्रोविजन को रखा गया है, लॉ मेकर्स ने ये शायद समझा होगा और ये सोचा होगा कि ज़रूरी तौर पे डिक्रियाँ जो भी इशू हों डिक्री कोर्ट की तरफ से वो एग्जीक्यूटेबल हों और वो इस तरह हों कि सिर्फ मुकदमा बराए मुकदमा ना हो, सिर्फ ये ना हो कि हमने जो है ना मुकदमा या सूट दाखिल करके तो फिर उस एक्सरसाइज को उस मश्क को ही करते रहें और उसका कोई आउटकम कोई आउटपुट कोई नतीजा नहीं निकले। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए और जो जो सूट्स हैं जो क्लेम्स हैं उनको हकीकी बुनियादों पर चलाने के लिए ये प्रोविजन रखा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है या कुछ और भी है। इनफैक्ट ये रूल 10 में इसका जिक्र है, लेकिन
इससे पहले रूल 9 है जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है कि डिक्री फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या ज़रूरी चीज़ें होती है। याद रखें ये डिक्री का पार्ट होना चाहिए, वो जो चीज़ें आप मैं बताने लगा हूँ। और वो क्या है कि जब आप कोई चीज़ सूट फाइल करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, तो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जब आप सूट फाइल करेंगे तो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल्स होंगी कि ये किस जगह वाक़ है, इसका नंबर क्या है, इसका नक्शा क्या है, इसके इर्द गिर्द कौन सी चीज़ें हैं, ताकि असर्टेन हो सके कि जो आप कह रहे हो वो ट्रुथ है, वो सच है, और इसकी टाइटल आपके पास होना चाहिए बाय वर्चू ऑफ द लॉ एंड बाय वर्चू ऑफ द टाइटल डॉक्यूमेंट्स विच हैज़ बीन गिवन बाय द लॉफुल अथॉरिटी। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, इसके बगैर इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिक्री या तो इशू नहीं होगी, आपका प्लान रिजेक्ट हो जाएगा, आपका सूट डिसमिस हो जाएगा, या हो भी गई तो वो एग्जीक्यूट कैसे होगी। सवाल तो ये है कि आपके डिक्री का फ़ायदा तो तब है जब वो एग्जीक्यूट हो और आपको वो रिलीफ मिले जो क्लेम करना चाहते हैं। तो आप जब अपने ही सूट को डिफेक्टिव करेंगे, अपने ही सूट को कमज़ोर रखेंगे, अपने सूट को ही कन्फ्यूज्ड मैनर में रखेंगे, तो आप वो रिलीफ जो मेरिट पे आप हासिल करना चाहते हैं वो हासिल नहीं करेंगे, कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। फिर और एक चीज़ है कि आप डिक्री जो है एडमिनिस्ट्रेशन की, अब वो एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री ये है कि कोई बंदा अगर एक्सपायर हो जाता है, कोई मर जाता है, कोई इस दुनिया में नहीं रहता है, उसने अपने ज़िंदगी में कुछ हिस्सा ज़मीन का टुकड़ा, कुछ चीज़ उसमें से जो थी वो सेल आउट कर दी। अब उसके जो वर्षा हैं वो उस बात को तस्लीम नहीं करते, कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ये बंदा जो पेलेंटिफ है वो झूठ बोल रहा है, गलत सूट फाइल किया, ये इस तरह नहीं है। तो उस चीज़ को असर्टेन करने के लिए इसकी फिर कई अलग चीज़ें हैं, वो कभी हम आपको डिस्कस करके बताएंगे अगले किसी मरहले पे। लेकिन ये है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का सूट है और इसमें कोर्ट को बुनियादी तौर पे इस बात का क्लेम करना पड़ता है कि ये जो क्लेम है वो जस्टिफाइड है या नहीं है, और मरहूम ने जो है वो ये चीज़ें बेची थी या नहीं बेची थी, या उसका कुछ हिस्सा बेचा था या नहीं बेचा था, सोल्ड सेल किया था या नहीं किया था। तो ये एक अलग नोयत की जो है ना वो डिग्री होगी। फिर मींस प्रॉफिट की डिग्री, मसलन ए जो है, ए उसकी प्रॉपर्टी है, दूसरा उस पर काबिज है, यानी बी उस पर काबिज है। अब ए इमीडिएट रिटर्न चाहता है, उसका कब्जा उसके पास है, जब तक चीज़ें जो है वो अपने नॉर्मल कोर्स में लीगली आए तो उसको चाहिए, मतलब वो जो रेंट है या मींस प्रॉफिट है वो चाहिए। तो उसके लिए मींस प्रॉफिट का केस होता है, सूट फाइल होता है कि जनाब लीगली इंटाइटल्ड मैं हूँ इस प्रॉपर्टी का, मेरी है ये, मैं लेकिन पोजीशन कोई बी इंजॉय कर रहा है। अब उस पोजीशन के नतीजे में उसको जो पैसे मिलते हैं या जो बेनिफिट मिलता है उसका वो तयन करता है ए अपने दानिश में कि इतना इसको बेनिफिट मिलता है, ये इसका जो है ना वो फ़ायदा हो रहा है। तो वो फ़ायदा मींस प्रॉफिट थ्रू रेंट या मींस प्रॉफिट के जो है ना वो क्लेम कर सकता है कोर्ट में। तो इसको ये भी एक डिक्री होती है। तो
मेरे कहने का मकसद ये है कि डिफरेंट टाइप की डिक्रीज होती हैं और उन डिफरेंट टाइप्स की जो डिक्री का जो जनरेट होता है थ्रू कोर्ट आर्डर, थ्रू कोर्ट एक्शन या थ्रू कोर्ट डिसीजन, वो बुनियादी तौर पर उस क्लेम के नेचर को देख के, उस एविडेंसेस को देख के उसके बाद जो है ये फैसले होते हैं। तो उम्मीद है कि आपने इस सारे मेरे डिस्कशन को गौर से सुना होगा और इससे ज़रूर फ़ायदा हासिल किया होगा। और अगर आप ये समझते हैं कि आप इस जो लीगल एजुकेशन है, इस लेक्चर से मज़ीद इस्तफादा करना चाहते हैं, तो हमारी हिम्मत अफजाई और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप इस को चैनल को, प्रोफेसर रियाज बलोच लीगल चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।